वेलकम फ्रेंड्स आज हम देखेंगे झारखंड जनसंख्या यानी जनगणना से रिलेटेड प्रश्न जो कि 2011 में हुए थे तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है तो यह है 3 करोड़ 29 लाख 88134 ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और यही 2001 और 2 में जो जनगणना हुई थी उनहत्तर लाख पैंतालीस हजार आठ थी ये आपको याद रखना है जनगणना से रिलेटेड दो या तीन मार्क्स एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं इसलिए इन सभी आंकड़ों को अच्छे से याद रखिए क्योंकि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें जनगणना से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं देश की कुल जनसंख्या का प्रति प्रतिशत कितना है झारखंड में जो देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो यह टू पॉइंट सेवन टू परसेंट है और जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान कितना है झारखंड का तो यह है चौदवा यह भी याद रखिएगा बार बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाने की संभावना है जनसंख्या का वर्गीकरण जो वर्गीकरण हुआ है पुरुषों की जनसंख्या जो है वो कितना है झारखंड में तो वह है एक करोड़ उनहत्तर लाख तीस हजार तीन सौ पंद्रह और कुल जनसंख्या का प्रतिशत बोला जाए तो यह है इक्यावन पॉइंट थ्री टू परसेंट और महिला जनसंख्या की बात करें तो यह है एक करोड़ साठ लाख सत्तावन हज़ार आठ सौ उन्नीस और प्रतिशत में बात करें तो फोर्टी एट पॉइंट सिक्सटी एट परसेंट है ये अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो पूछे जा सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या कितनी है तो ग्रामीण जनसंख्या है दो करोड़ पचास लाख पचपन हजार तिहत्तर जो कि टोटल परसेंटेज में बात करें तो सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन फाइव परसेंटेज है नगरीय जन जनसंख्या की बात करें तो यह है उन्यासी लाख तैतीस हजार इकसठ और प्रतिशत की बात करें तो चौबीस पॉइंट जीरो फाइव परसेंट में है और बात करें अनुसूचित जाति की यानी एस की तो यह है उनचालीस लाख पचासी हज़ार छः सौ चवालीस जो कि बारह पॉइंट जीरो आठ परसेंट है और बात की जाए अनुसूचित जनजाति की यानी एस की तो वह है छियासी लाख पैंतालीस हजार बयालीस जो कि परसेंटेज में छब्बीस पॉइंट टू ज़ीरो है और अल्पसंख्यक की बात करें तो यह है उन्नीस पॉइंट बारह परसेंट ये आपको याद रखना है और जीरो से छ वर्ष की आयु तक की जो जनसंख्या है वह है तिरपन लाख निवास एटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी फाइव जो कि परसेंटेज में बात करें तो सोलह पॉइंट तैंतीस है और बात करें राज्यों में कुल श्रमिक की तो यह है एक करोड़ तीस लाख अंठानवे हज़ार दो सौ चौहत्तर और पुरुष श्रमिक कितने हैं तो पुरुष श्रमिक हैं चौ चौरासी हज़ार सॉरी चौवाल चौरासी लाख चौबीस हज़ार सात सौ उन्नीस और महिला श्रमिक हैं छियासी लाख तिहत्तर हज़ार पाँच सौ पाँच ये सभी आंकड़े आपको केवल याद रखने हैं ताकि एग्जाम में पूछे जाएं तो ये सब आप सटीक से जवाब दे सकें क्योंकि जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आगे यदि आप कर गए तो समझिए कि आप एग्जाम में टॉप कर गए हैं तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच जिले कौन से हैं ये क्रम वाइज पूछा जाता के है इसलिए मैं क्रम वाइज ही लेके आया हूँ सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच जिले कौन हैं रांची जो सर्वाधिक जन जनसंख्या वाले जिले में उनतीस लाख चौदह हजार दो सौ तिरपन है दूसरा में आता है धनबाद जो कि छब्बीस लाख चौरासी हज़ार चार सौ सतासी है और थर्ड नंबर में बात करें तो गिरिडीह है चौबीस लाख पैंतालीस हज़ार चार सौ चौहत्तर और फोर्थ नंबर में है पश्चिमी सिंहभूम बाईस लाख तिरानवे हज़ार नौ सौ उन्नीस और बोकारो पाँचवें नंबर पे है बीस लाख बासठ हजार तीन सौ तीस ये सभी आंकड़े आपको याद रखना है पहला रांची दूसरा धनबाद तीसरा गिरिडीह चौथा पश्चिमी सिबूम और पांचवा बोकारो ये जनसंख्या की बात नगरीय जनसंख्या की बात है ये आप नोट कर लेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच जिले हैं ये ठीक और बात की जाए न्यूनतम जनसंख्या वाले पांच जिले कौन से हैं तो लोहरदगा चार लाख इकसठ हज़ार सात सौ नब्बे खूटी पाँच लाख इकतीस हज़ार आठ सौ पचासी सिमडेगा पाँच लाख निन्यानवे हज़ार पाँच सौ अठहत्तर कोडरमा सात लाख सोलह हज़ार दो सौ उनसठ लातेहार सात लाख छब्बीस हज़ार नौ सौ अठहत्तर ये सब आंकड़े एग्जाम में टफ क्वेश्चन बनाने के लिए है नहीं तो ही पूछे जाएंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले में पांच जिले में कौन था रांची धनबाद गिरिडीह कोडरमा सॉरी पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो और बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला में तो लोहरदगा खुट्टी सिमडेगा कोडरमा लातेहार ये पांच जिले न्यूनतम जनसंख्या वाले में हैं ये आपको याद रखना है क्योंकि क्रम वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में याद करें तो यह है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर टू परसेंट जो कि दो हज़ार एक में था ट्वेंटी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट ठीक ये आपको याद रखना है दशकीय जन जनसंख्या में है ये ठीक और बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है तो यह दसवां स्थान है नोट झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब ज्ञात किया गया था तो उन्नीस सौ इक्यासी से इक्यानवे में ज्ञात किया गया था ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मध्य ट्वेंटी फोर परसेंट रहा था ये आपको याद रखना है और बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि पांच वाल वृद्धि वाले पांच जिले कौन कौन से हैं तो ये हैं कोडरमा फोर्टी थ्री पॉइंट फोर्टी टू परसेंट चतरा थर्टी वन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट गिरिडीह ट्वेंटी एट पॉइंट फोर जीरो परसेंट पाकुड़ ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री परसेंट देवघर ट्वेंटी एट पॉइंट जीरो थ्री परसेंट ये सभी आपको आंकड़े याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं मगर मेन जो क्वेश्चन है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले और सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले वो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं इसलिए उसे आप याद रखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले पांच जिले जो कम जनसंख्या वृद्धि हुआ था तो पहला धनबाद में 11.99 पॉइंट नाइन नाइन परसेंट दूसरा पूर्वी सिंहभूम पंद्रह पॉइंट सिक्स एट परसेंट चौथा बोकारो सोलह पॉइंट जीरो वन परसेंट पाँचवा सॉरी uh, चौथा रामगढ़ हजारी रामगढ़ और हजारीबाग दोनों ही सेम में रहा था सत्रह पॉइंट एट फाइव परसेंट और जामताड़ा दुम का बीस पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ये आपको याद रखना है न्यूनतम परसेंटेज दर से जो वृद्धि किया गया था जनसंख्या घनत्व तो कितना है झारखंड का तो यह है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर 2001 में यह था तीन सौ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे इसलिए आप ये याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ठीक अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जनसंख्या घनत्व तो की दृष्टि से देश में स्थान कितना है तो चौदहवा है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो वाले पांच जिले कौन कौन से हैं जिसके घन जहाँ पे जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा है जन ठीक तो पहला है धनवाद तेरह सौ सो सोलह है और बोका दूसरा है बोकारो सात सौ पंद्रह तीसरा तिस, है रामगढ़ सात सौ आठ चौथा है पूर्वी सिंहभूम छः सौ चौवालीस और पांचवा है देवघर ये आप याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व वाला भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है धनवाद पहला है दूसरा बोकारो तीसरा रामगढ़ चौथा पूर्वी सिंहभूम और पांचवा देवघर धनबाद का आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन टॉप थर्ड से ही बनते हैं तेरह सौ सो सोलह है धनबाद का और बोकारो का है सात सौ पंद्रह और रामगढ़ का है सात सौ आठ और न्यूनतम जनसंख्या तो वाले पांच जिले कौन से हैं तो पहला सिमडेगा एक सौ उनसठ सिम सिमडेगा बोल सकते हैं सिमलेने का एक सौ उनसठ है लातेहार एक सौ उनहत्तर गुमला एक सौ इक्यानवे पश्चिमी सिंहभूम 208 सौ आठ खूटी ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यही सब बनते हैं और एग्जाम में टफ कहला जाते हैं लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है झारखंड में 948 ये आपको याद रखना है और 2001 में यह कितना था तो 941 था और बात की जाए लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कितना है तो यह है सतरवां ये भी आपको याद रखना है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आ लिंगानुपात का वर्गीकरण बात करें कैसे है दो हज़ार एक में और लिंगानुपात क्या था ठीक अभी वर्तमान में ये लिंगानुपात है और 2001 में क्या था तो ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 961 था 2011 में है और 2001 की बात करें तो यह नौ थी और नगरीय लिंगा लिंगानुपात की बात करें तो यह 2010 में सॉरी 2011 में के अनुसार दो नौ था और 2001 के अनुसार था 870 और बात करें अनुसूचित जाति में लिंगानुपात क्या था तो यह था ९५० २०११ में और अनुसूचित जनजाति में में लिंगानुपात की बात करें यानी एस कम्युनिटी के लिए तो यह था १००३ और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले पांच जिले कौन कौन से हैं तो पहला है पच्वी सिंहभूम जो १००५ है दूसरा है सिमडेगा नौ है तीसरा है खूटी नौ इसका भी है गुमला का चौथा नंबर पे है नौ सौ तिरानवे और पाँचवा में है पाकुड़ नौ सौ नवासी याद रखिएगा ये लिंगानुपात में है ये पहला नंबर पे कौन है तो यह है पश्चिमी सिंहभूम दूसरा सिमडेगा तीसरा खूटी चौथा गुमला और पाँचवा पाकुड़ और बात की जाए न्यूनतम लिंगानुपात वाले पाँच जिले कौन कौन से हैं तो पहला है धनबाद नौ सौ नौ न्यूनतम लिंगानुपात में और दूसरा पे है रामगढ़ नौ सौ इक्कीस तीसरा पे है बोकारो नौ सौ बाईस और चौथा पे है देवघर ९२५ और पांचवा पे है पलामू 928 ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए आप बारीकी से इन इस वीडियो को देखें क्योंकि एग्जाम में इन सभी प्रश्न बनते हैं और काफ़ी बार ये प्रश्न आपको मेरिट लिस्ट में लेके आते हैं इसलिए इन प्रश्नों को आप याद रखेंगे शिशु लिंगानुपात की बात करें जो कि जीरो से छः वर्ष के लिए आयु के लिए है तो यह है नौ और 2001 में यह था नौ सौ पैंसठ याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा एरो लेने में मिस्टेक हो गया नौ सौ पैंसठ था ये दो हजार एक में ठीक और बात करें ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की तो यह दो हजार ग्यारह में था नौ सौ सत्तावन और दो हजार एक में नौ सौ तिहत्तर नगरीय शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह है दो हजार ग्यारह में नौ सौ आठ और दो हज़ार एक में यह था नौ सौ तीस और अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह है नौ सौ चौरासी अनुसूचित जनजाति यानी एस टी कम्युनिटी में तो यह है नौ सौ नवासी सॉरी यहाँ पे उनासी होगा यह उनासी पढ़ा जाता है ठीक और बात करें सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात में पश्चिमी शिव में नौ सौ तिरासी और पाकुड़ में नौ सौ पचहत्तर लोहरदंगा में नौ सौ सत्तर सिमडेगा में नौ सौ उनहत्तर और लातेहार में नौ सौ अड़सठ ये सभी आंकड़े आपको नॉर्मली याद रखने दो से तीन बार वीडियो देखिएगा आपको याद हो जाएगा आप बोलेंगे तो मैं इन इस वीडियो को ट्रिक के माध्यम से भी लेके आ जाऊंगा ताकि आपको आसानी से याद हो सके पर मैं अभी नॉर्मली आपको दिखा दे रहा हूँ इन सब प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं और शिशु लिंगानुपात की बात करें न्यूनतम में तो पहला है धनबाद नौ सौ सोलह दूसरा है बोकारो और पूर्वी सिंहभूम नौ सौ तेईस तीसरा है रामगढ़ नौ सौ सताईस चौथा हजारीबाग नौ सौ तैंतीस और पाँचवा है रांची नौ सौ अड़तीस ये आपको याद रखना है और साक्षरता दर की बात करें तो यह झारखंड में है सिक्सटी सिक्स पॉइंट फोर वन परसेंट ये झारखंड की साक्षरता दर है और 2011 में सॉरी 2001 में ये जो साक्षरता दर थी यह थी 53.56 फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट ठीक और बात करें साक्षरता दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है तो यह है बत्तीसवां और साक्षरता दर का वर्गीकरण जो है वर्गीकरण किस प्रकार है ये आप देखिए यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो यह है सेवेंटी सिक्स पॉइंट एट फोर परसेंट और 2001 की बात करें तो यह था सिक्सटी सेवन पॉइंट थ्री परसेंट और महिला साक्षरता दर की बात करें तो यह है फिफ्टी फाइव पॉइंट फोर टू परसेंट और यह 2001 में था थर्टी एट पॉइंट नाइन परसेंट और बात की जाए ग्रामीण साक्षरता दर की तो ग्रामीण साक्षरता दर है सिक्सटी वन पॉइंट वन परसेंट जो कि 2001 में था फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन परसेंट और नगरीय साक्षरता दर की बात की जाए तो यह है 82.3 टू पॉइंट थ्री परसेंट और यह 2001 में क्या था तो सेवेंटी नाइन पॉइंट वन परसेंट था और बात करें सर्वाधिक साक्षरता दर वाले पांच जिले कौन हैं तो पहला रांची सेवेंटी सिक्स पॉइंट ज़ीरो सिक्स परसेंट दूसरा पूर्वी सिंहभूम सेवेंटी फाइव पॉइंट फोर नाइन परसेंट तीसरा धनबाद सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव टू परसेंट चौथा रामगढ़ सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सेवन परसेंट और पांचवा बोकारो सेवेंटी टू पॉइंट जीरो वन परसेंट और न्यूनतम साक्षरता दर वाले पांच जिले कौन कौन से हैं पहला है पाकुड़ फोर्टी एट पॉइंट एट टू परसेंट दूसरा साहिबगंज फिफ्टी टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट तीसरा गोड्डा फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर जीरो परसेंट और चौथा पश्चिमी सिंहभूम 58.63 परसेंट और पांचवा लातेहार 59.51 परसेंट ये न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले थे और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रांची का है 84.26 परसेंट न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किसका है तो पाकुड़ का है 57.06 परसेंट तो दोस्तों यहीं पे जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न समाप्त होते हैं यह पार्ट वन का वीडियो था और इसी तरह के पार्ट टू का वीडियो भी आएगा और पार्ट थर्ड का भी वीडियो आएगा क्योंकि सभी जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न यदि मैं एक ही वीडियो में लाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा जो कि आप बोर हो होते नजर आएंगे और आपको अच्छा से याद नहीं हो पाएगा इसीलिए मैंने इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाया हूँ अब बाकी के क्वेश्चन पार्ट टू और पार्ट थर्ड में मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम